अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर छत पर आया हूं, मगर एक बात है, मैं जब भी छत पर आता हूं ना कुछ बुरा हो जाता है। तो मैं डरते डरते फिर छत पे आया हूं, कहीं आज बुरा ना हो जाए। मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपनी कैटों को दूध भी डालना था, डाइट भी डालनी थी। तो ये देखिए, इन्होंने डाइट तो बिल्कुल खा ली है, मगर दूध अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। हाँ भाई, आज तुम तीनों अंदर हो। तो दोस्तों आज मैंने इन तीनों को अंदर बंद कर दिया, मैंने आराम से खा लेंगे, एक जैसा खा ले, उसके बाद इनको बाहर निकालूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को तो रहने दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जब बाहर निकालता हूँ तो कहाँ जाते हैं, ये इसको फिर भी निकाल देते हैं। अब इसको कैसे निकालना है ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोलना है और ये तीनों बाहर आ जाने हैं। मगर मैं तो चाह रहा हूँ एक बाहर, ओए इसको निकाल लेते, इधर इधर वो इधर, वो देखो वो पहले आ गई। नहीं भाई नहीं, ये देखें ये दूध पी रहा है, इतना बड़ा हो गया फिर भी अपनी मम्मा का दूध पीता है, पता नहीं कब दूध पीना छोड़ेगा। तुम पीछे हटो, पीछे हट जाओ, आजा भी आजा, तू आजा बाहर आजा आजा। ओ ओ, तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना, तुम इधर चलो, तुम अंदर चलो चलो। ये देखा दोस्तों आपने कैसे बाहर आ गए, और तुम आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ। नहीं भाई इसका मुझे लग रहा मूड नहीं है, और नहीं नहीं आपने नहीं आना। तो दोस्तों हमारे मेल का ना दिल नहीं है बाहर आने को, वो अपनी मम्मा के साथ ना आज अंदर ही खुश है। फिर मैंने कहा चलो तुम लोग यहीं पर रहो और मैं जा रहा हूँ अब बिग जू, क्योंकि आप लोगों को पता है कल मैं बिग जू नहीं जा सका और मेरे सारे पेट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल मैंने उनको बनाना भी नहीं खिलाया और पानी शुक्र है वहाँ पड़ा हुआ था, और मुझे लगता है अख्तर ने पानी और दाना उनको डाल दिया होगा, मगर मैं अपने बनाना उनको जरूर खिलाने जाऊंगा आज पेट्स को। तो गाइस मैं अब जा रहा हूँ अपने बिग जू में, और इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है आज बाहर निकलने का। ठीक है तुम अंदर ही रहो भाई। तो फाइनली दोस्तों मैं ना अपने जू पे पहुंच गया हूँ और सब पेट्स मुझे देख के ना खुश हो गए हैं। तो ये देखे दोस्तों रोज की तरह ना इनका फुल दिल कर रहा है कि हमें बनाना खिलाओ। हाँ भाई आप लोगों ने भी बनाना खाना, ओ देखो आ गया आ गया आ गया। हाँ ये यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ, ये देखे ये लो, ये देखो इसको खुशबू आ गई है दोस्तों। तो मैं इनको जल्दी जल्दी ना आज अंदर ही डाल देता हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे अभी काम करने हैं, अभी जू की सफाई भी करनी है, इनको पानी भी डालना है, तो ये अंदर ही खा लेते हैं। हाँ भाई आप लोगों ने खाना ये लो खाओ, मैं आज सारे ना दोस्तों मैं आज सारे केलों के ना छिलके उतार के आया हूँ। मैंने कहा वहां फिर मैं अकेला होता हूँ तो ये मेरे हाथ से छीन जाते हैं, इसलिए मैंने आज छिलके पहले उतार लिए देखे, और बनाना अलग कर लिया। ये लो भाई ये लो, ये एक रह गया, खा लो खा लो सारे खा लो। तो दोस्तों उसके अलावा ना ये देखे एक दो तीन चार हमारे रैबिट बाहर आए हुए हैं, तो मैं आज देखूंगा अंदर और कितने रैबिट हैं हमारे जो बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है आज बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए होंगे और इंशाल्लाह आज हम उनको देख सकेंगे। पहले मैं इनको सब पेट्स को ना बनाना खिला, इनको तो डाल दिया मैंने बहुत सारा, अब मैं टाइगर उधर जा रहा हूँ, राजा के पास और रानी के पास और फाइटर ग्रुप के पास जा रहा हूँ। दोस्तों मैं अंदर जाने लगा हूँ, मुझे ना इससे डर लग रहा है फाइटर से। ओए रुको रुको अंदर ही रहो अंदर ही रहो। ओ ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे, ओ भाई ये लो ये लो ये लो, पहले ये लो ये लो, खाओ खाओ खा लो खा लो खा लो, ये लो आ जाओ भी सारे आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ सारे शादी। ओ देखे मेरे पे अटैक कर दिया, ओ देखे दोस्तों ये लो भाई ये लो सारे खाओ खाओ। हमारा राजा पता नहीं क्यों डरता है, भाई राजा हो तुम, राजा सब पूरे जू के राजा हो फिर भी डरते हो यार तुम, देखो यार कैसे डर रहा है राजा देखो। तो दोस्तों हमारे ये देखे पिजन है ना, इनके केज में पानी नहीं है, और मुझे लगता है आज किसी भी केज में ना पानी नहीं है, क्योंकि अक्तर यहाँ पर है ही नहीं है, तो इसलिए मैं सबको अभी पानी भी डालता हूँ ताकि जल्दी जल्दी पानी पी ले, क्योंकि इनको प्यास लगी होगी, पहले ही शाम हो गई है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ये देखें दोस्तों मेरे हाथ में पानी है, और ये देखें मुझे लग रहा है इनको प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। ये लो भाई ये लो पानी पियो सारे पियो। हाँ मैं ठीक था, ओए माशाल्लाह दोस्तों देखो जल्दी जल्दी सब पानी पी रहे हैं, इनको बेचारों को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो दोस्तों बस मैं भी आज लेट हो गया हूँ, मैंने कहा शायद अख्तर ने पानी डाल दिया हो, क्योंकि रोज अख्तर ही इनको देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो आज वो गया हुआ था मुझे बस याद नहीं रहा। तो ये देखें सबको प्यास लगी, पियो पियो भी पियो आराम से पियो, मैं इन साथ वालों को भी डालता हूँ। दोस्तों दरवाजा बंद कर दूं कहीं कोई उड़ी ना जाए। तो दोस्तों मैंने अपने पिजन को सारों को पानी डाल दिया, अब बारी है शहजादा और शहजादी की। ये देखें दोस्तों इनका जो ये वाला बर्तन है ये देखें बिल्कुल खाली है, और इसके अलावा ये देखें उन्होंने सारों ने बनाना वगैरह खा भी लिए हैं। चलो मैं अब तुम आप लोगों के लिए पानी लेकर आ रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने पानी पीना है। तो गाइस मैं इनके लिए पानी भर के लाता हूँ, फिर इनको भी पानी देते हैं।
ये देखे दोस्तों, इन सबको प्यास लगी हुई, पानी पी रहे, पी रहे, पी लो पी लो। ओए वो लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, पानी पियो आराम से। तो दोस्तों ये देखे मैंने राजा रानी के भी ना, ओए क्यों लड़ रहे हो, देखे दोस्तों एक, ये देखो दोनों एक को ही मार रहे हैं, क्यों मार रहे हो भाई, उसे भी बैठने दो, उसका भी ये केज है, उसका भी घर है, तुम दोनों का अकेले का नहीं है। तो दोस्तों देखा है आपने, फाइटर ग्रुप के दो बंदे एक बंदे को मार रहे हैं, ये कौन का इंसाफ है, उसका भी तो घर है, अब नहीं लड़ना तुमने। अच्छा ये देखो मैंने पानी रख दिया, अब सबने पानी पी लेना है। मुझे लगता है हमारे राजा को बहुत प्यास लगी हुई है, मगर ये मुझसे डर रहा है, तो मैं जल्दी से बाहर चला जाता हूँ, फिर ये आराम से पानी पी लेगा। ये देखिए दोस्तों हमारी अकेली ही मुर्गी है इधर, तो इसको भी बहुत सारी प्यास लगी हुई है, मैंने इसको भी पानी ना डाल दिया, पियो पियो आराम से पानी पियो। तो दोस्तों अब मैं देखने लगा हूँ हमारे जो रैबिट का घर है ना, उसके अंदर कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। और ये देखें दोस्तों दिन ब दिन ये घर बड़ा ही होता जा रहा है, सुरंग बड़ी होती जा रही है। ये देखें ये वाली जो इधर वाली सुरंग है ना, ये इन्होंने बंद कर दी है, और इधर वाली सुरंग खुल गई है। अब पता नहीं ओए ओए ये क्या हुआ दोस्तों, भी कुछ हिला है। ये देखे इतनी दूर तक जाना पड़ेगा। हाँ भाई कुछ नहीं कह रहा तुम्हारे घर को, ये देखे एकदम से रैबिट आ गए हैं कि हमारे घर को क्या करने लगे कुछ। ये देखो भाई ये देखो, जैसे ही मैं इनके घर के पास आया हूँ, ये सारे अपने घर के पास आ गए। अरे कुछ नहीं कर रहे हम, कहाँ जा रहे हो, पकड़ो पकड़ो वो देखो, अरे पकड़ो पकड़ो वो चला गया। तो ये कहाँ तक जाएगा, आज देखते हैं इसको, कहाँ तक जाओगे। नहीं दोस्तों ये ना अपने घर की सिर्फ हिफाजत करने के लिए आए हैं, तो आप ये देखें जानवर भी कितने समझदार हैं, अपने घर की हिफाजत खुद कर लेते हैं, उन्होंने समझा हमारे बच्चों को लेने आए हैं। तो ये मुझे लगता है ये फीमेल होगी, तो अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए आ गई है। नहीं लेके जाते भैया हम आपके बच्चे, नहीं लेके जाते। तो दोस्तों मैंने, ओहो बहुत जोर से लग गया दोस्त। तो दोस्तों मैंने फाइनल ये किया है कि हम इनके बच्चों को अभी नहीं देखते, फिर जब वो बाहर आएंगे ना खुद ही देख लेंगे। तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छी सी ना गुड न्यूज बताता हूँ, जो मैंने आज बतानी थी मगर मैं भूल गया, चले मैं आपको वही बताता हूँ। तो गाइस आप ये वाली जगह देख रहे हैं, ये जगह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत जल्द हम यहाँ पर अपनी फिश के लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा हमारे जूम के अंदर ना फिश का घर नहीं है, तो इसलिए मैंने ना ये जगह ये डिसाइड किया, क्योंकि इसके ऊपर ये देखें छांव भी रहेगी, यहाँ से हवा भी आएगी, ये पानी वाली मोटर भी लगी हुई है, और पानी का इंतजाम भी है, यहाँ से बाहर चला जाएगा तो हम आराम से अपना पानी भी चेंज कर सकेंगे और नया पानी भी भर सकेंगे, और इनको कोई ऊपर से नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वाली जगह ना जो है सिलेक्ट की है। तो मैंने ना मिस्त्री भाई से भी बात कर ली है, बस वो कह रहे हैं 2-4 दिन का काम है, वो हम कर ले, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और आपको एक प्यारा सा ना घर बना के देंगे। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी आप मुझे ना यहाँ पर घर बना दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हम मुझे पेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी ना ये सारा जू जो है ना यहाँ पर भी घर बना दूँ, यहाँ पर भी सारी जगह पर घर बना दूँ, और अच्छे से अच्छे पेट्स ला कर ना यहाँ पर रखूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है सामरी भी मुझसे नाराज़ है, वो कह रहा है अपनी बोतल क्यों नहीं ढूंढ रहे, तो मैं बहुत जल्द अपनी बोतल भी ढूंढ लूंगा। उसके अलावा गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये बात जरूर बतानी है कि आपको मेरा कैसा लगा जो मैंने अपनी फिश के लिए घर सोचा है। मैं बहुत जल्द बस इंशाल्लाह यहाँ पर बनाऊंगा। उसके अलावा अगर आप मुझे कोई और जगह बता सकते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मगर मेरे हिसाब से वो जगह ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल कसाई व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।